नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक इस्माइल। आज आदिलाबाद शहर में भारतीय संविधान को बदलने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा की गई टिप्पणी से पूरे जिले में नहीं बल्कि पूरे राज्य में खलबली मच चुकी है और आदिलाबाद जिले में आक्रोश फैल गया है। कारण यह है कि केसीआर की संविधान के ऊपर बदलने की टिप्पणी से भाजपा के तत्वाध्यान में रैली निकाली गई। बीजेपी आदिलाबाद कार्यालय से यात्रा शुरू हुई। गांधी चौक, अंबेडकर चौक, कलेक्टर चौक से भारी रैली निकाली गई और तो और वहां पर पुतला जलाया गया केसीआर का। उस पुतले को सजाया गया शराब के बोतलों से, उसको जलाकर निराशा व्यक्त करे, नाराजगी जताई। जिस भारतीय संविधान के अनुसार तेलंगाना राष्ट्र बना है और उस संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री बना है, उसी संविधान को बदलना, ऐसा केसीआर ने कहा है। ये उनके ही विचार है, उस पर उनके ही नॉलेज के ऊपर, उनका भारतीय संविधान के ऊपर कितना प्यार है, कितना रिस्पेक्ट, गौरव है, अभिमान है, ये मालूम हो रहा है। संविधान मानव को मानव की तरह देखता है। वो शख्स हमें सदियों की मिसाल दे गया, संविधान रचा और समानता दे गया और कहा है कि जो स्वार्थ के लिए संविधान को तोड़े मरोड़े, ऐसे नेताओं को चुनाव में हरा कर ही छोड़े। और आने वाले दिनों में भारतीय संविधान नहीं बल्कि मुख्यमंत्री केसीआर को बदलने की जरूरत है। और इस बार हम लोग केसीआर क्या है और भारतीय संविधान के ऊपर उनका क्या स्वाभिमान है, ये सबको मालूम हो चुका है, ऐसा बीजेपी के अध्यक्ष पायल शंकर ने आरोप लगाया। बाद में कलेक्टर ऑफिस के सामने जो आंदोलन कर रहे हैं एससी एसटी बीसी लोग, उनको उन्होंने संघीभाव व्यक्त किया। Gracias.